अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और ये अपने बाबा होने की ड्यूटी निभा रहे हैं। आरिस को सुला रहे हैं ताकि आरिस हो जाएगा तो आरिस फ्रेश हो जाएगा। हम लोग नाश्ता करने के लिए उतर चुके हैं, बस खाली हो रही है और ये रहा रेस्टोरेंट। हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, सुबह नहीं हुई लेकिन फिर भी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नहीं भैया मेरे को तो सही है। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, अजान हो रही है, हमारा नाश्ता हो चुका है और बस अभी खाने का वेट कर रहे हैं। आरिस की आवाज़ आ रही होगी आपको, है और अब बोल रहा है कि बस यहाँ से चलो चलो चलो। और ये हमारी मॉर्निंग हो रही है और ये मेरा बेटा फ्रेश हो गया है। मोहम्मद आरिस की आज़ादी अभी तक चल रही है, आरिस अभी तक 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, दिखा नहीं सकती वरना दिखा देती। पहले मैं अपने आप को दिखाना स्टार्ट कर दूं। आप मुझे कब परमिशन दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? यही है क्या होता है? अरे चलता उसकी आवाज़ दब गई बेचारे की तुम लोग के चक्कर में। अभी हल्का हल्का सा उजाला हो गया और हम लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोग जैसे नमाज पढ़ के आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, कैमरे में बहुत ज़्यादा उजाला दिख रहा है बट इतना उजाला नहीं हुआ। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बस इसीलिए हम लोग गेट में लगे हुए हैं। और आरिस और उसके पापा पिक्चर्स ले रहे हैं, इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। आरिस किसी के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरे पास या इनके पास ही रहना है। अभी हम लोग जो रुके हुए हैं वो रेस्टोरेंट का नेम है क्वाइटा कैफे शान होटल, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ तरह का इसका एनवायरनमेंट है। गाइस अभी 7 बजे हैं और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। पब्लिक भी नहीं है, रश भी नहीं है, सुकून है बस बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप। पानी में हम लोगों ने इंजॉय कर लिया बहुत सारा और अभी सिर्फ 9:30 ही हुए और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। 2 घंटे हम लोगों ने पानी में इंजॉय किया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, हमें कुछ पीला लॉलीपॉप भी गया उसका। अभी इस लाइन दिवाली की बारी है तो हम जा रहे देखने के लिए कि क्या चीज़ है। और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा तेज है, हम लोग साइड पे देखने के लिए यहाँ पे आए पानी देखने के लिए। लास्ट ईयर भी आए थे कुछ 8 अगस्त को और इस बार हम लोग गए थे 14 अगस्त की बात में, हम लोग निकले थे 15 अगस्त के दिन, हम लोग वहाँ पे थे। और इस बार हम लोग कुछ अनदर साइड पे गए थे और उस बार हम लोग दूसरी साइड पे थे। इस साइड पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और पिछली बार की नस्बत मुझे इस बार ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि पिछली बार मैं प्रेगनेंट थी और मेरा कुछ 8 मंथ लगा था तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। नहीं, मेरा 8 मंथ लगा नहीं था, मेरा 7 मंथ चल रहा था और कंडीशन तो मेरी माशाल्लाह से पूरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल थी। बट ये था कि मैं ट्यूब वगैरह में इंजॉय नहीं कर पाई थी, बोटिंग नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैंने खूब इंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आरिस ने भी मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था क्योंकि मम्मा ने इसका वहाँ पे झूला वगैरह ले लिया था तो वो उसी में सोया हुआ था और मेरे दादा दादी उसका ध्यान रख के बैठे हुए थे तो हम सब ने बहुत बहुत इंजॉय किया इस बार।
और पिछली बार भी बहुत मज़ा आया था, प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत इन्जॉय किया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इन्जॉय करवाया था और इस बार भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाया, तो थैंक्स हबी। और ये कुछ वहाँ पे अंकल थे वो बहुत ज़्यादा नीडी थे, तो फिर हम लोगों ने उनकी थोड़ी सी नीड की हेल्प की थी, तो फिर उन्होंने हमें ये अपना सांप वगैरह निकाल के दिखाया था और बीन बजा के हम लोगों को दिखा रहे थे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और ये आरिस अब उठ तो गए थे पर मूड बहुत ख़राब था उनका, सोए हुए ही थे आरिस, बस वापसी दो बजे ही कुछ उठे थे आरिस, पूरे पिकनिक में आरिस साहब सोए हुए थे, फिर पानी में वापस और ये सब इन्जॉय करते हुए थोड़ी सी ब्लरी वीडियो इसलिए डाल दी। और अभी बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे का कुछ रास्ता है, फिर रास्ते में मगरब वगैरह हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा क्योंकि अभी हमें रास्ते में बीच में होटल पर रुकना है, वहाँ पर चाय वगैरह है, जिसमें खाना खाना होगा, जो भी सेटिंग होगी वो सब करेंगे, तो इसलिए बस अब हम लोग निकल रहे हैं। निकलते निकलते भी हमारे 5 बज जाएंगे यहीं पर ही, किसी लोग सामान वगैरह पैकअप कर रहे हैं तो बस पैकअप हो जाएगा, फिर हम लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह हम लोग घर पहुंचेंगे तो हमारे 8-9 तो बज ही जाएंगे, और फिर मम्मी के घर जाऊंगी, वहां से सारा सामान अलहदा करूँगी क्योंकि मम्मा के बैग में भी काफ़ी सामान जा चुका है मेरा गलती से, और इसके बाद फिर मैं अपने घर पहुंचूंगी तो 10-11 तो बजेंगे मेरे। आज मेरे घर पे दावत भी है, मेरी पप्पू सांस खाला सांस वगैरह ये सब लोग आने वाले हैं, चाचा ससुर वगैरह उन लोगों की दावत है, तो घर जाऊंगी तो मेहमान भी होंगे तो थोड़ा फ्रेश होंगे मम्मी के घर, ताकि सब लोगों के सामने एक प्रेजेंटेबल बहू की तरह रहूँ। तो बस अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। पिकनिक पे जाओ और इस तरह के सॉन्ग्स प्ले ना करो तो मज़ा नहीं आता पिकनिक का। ये वापसी में पिकनिक के टिकट उतारने के लिए था थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा सबने वापसी में भी इंजॉय किया और मज़ा आया था हम लोगों ने बहुत। और मुझे आप लोगों से कुछ रिकमेंडेशन चाहिए थी, आरिस की बर्थडे है 8 अक्टूबर को, जस्ट एक बच्चा है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए कि मुझे कहाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, किस तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए, थीम क्या रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सोचा मैंने, पर आप लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तैयारी है, यहाँ से भी 1.5 घंटे का रास्ता है, बस निकलते हैं, 7:15 बज रहे हैं अभी,